आपके अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में आज हम बात करेंगे फिश फार्मिंग की। फिश फार्मिंग में किस तरीके से हम फिश फार्मिंग करें या फिर उसके फीड को कैसे खिलाएं, कैसे क्या दें, विशेष ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं फिश फार्मिंग करते समय, आज हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि निम्नलिखित कारणों पर मछली की वृद्धि निर्भर करती है। यदि आप अपने मछली की वृद्धि ज़्यादा करना चाहते हैं मात्र कुछ ही महीनों में, तो फिर किन किन कारणों से इनकी वृद्धि ज़्यादा हो सकती है, क्या क्या आप करेंगे जिससे उनकी वृद्धि ज़्यादा होगी। नंबर एक, बीज की गुणवत्ता। जैसे कि अभी हम आपको ये फीड जो दिखा रहे हैं, ये फीड अच्छा होना चाहिए और बीज की गुणवत्ता यानी कि जो आप बच्चे डालेंगे उस बच्चों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जहाँ से आप बच्चे खरीदें अपने तालाब में डालने के लिए, अच्छे से जांच पड़ताल कर खरीदें जिससे आपको बच्चा अच्छा मिले और उसमें जो है अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा उसका वजन बढ़े। सबसे पहले बीज की गुणवत्ता। नंबर दो, तालाब का पानी आपका अच्छा होना चाहिए। नंबर तीन, तालाब का संपूर्ण वातावरण एवं आसपास का वातावरण भी ठीक होना चाहिए। ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपके मछली की वृद्धि बढ़ाने के लिए। नंबर चार, आहार देने का क्या तरीका है, किस टाइम पे आप अपने मछली को आहार देते हैं, सुबह या शाम कितनी बार फीड देते हैं, कैसे खिलाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर पाँच, तालाब प्रबंधन। उसके बाद तालाब प्रबंधन। नंबर छः, मछली की भोजन फीड्स, मतलब किस कैसे क्या आप करते हैं, इसलिए मछली के उपरोक्त बातों पर अवश्य ध्यान दें ताकि अच्छा परिणाम आपको मिल सके। तो आइए इस वक्त हम बात करेंगे फीड के बारे में। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है ग्लोबल फीड, और यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ ज़िले के दादूपुर गांव है, ये रानीगंज गांव है, रानीगंज पावर हाउस पर। यहाँ पर एक फीड की दुकान है, ये ग्लोबल कंपनी का फीड है और इसमें आपको जीरो से लेकर आपकी मछलियाँ मतलब जितने में ग्रो करेंगी उतने तक का यहाँ पर बीज आपको उपलब्ध होगा, फीड आपको उपलब्ध होगा, आपको मिल जा पाएगा। यदि आपको लेना है तो अभी इनके मालिक से हम बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और यदि आपके मन में कोई कमेंट है या आप हमारे चैनल को सुझाव देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आइए इनके मालिक से मिलते हैं और पूरी बातचीत करते हैं इसके बारे में और क्या कैसे है पूरी जानकारी आपको देते हैं, चलिए मिलते हैं। तो चाचा, सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में स्वागत अभिनंदन वंदन है, और सबसे पहले हम जानना चाहते हैं चाचा क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव जी। गांव का नाम एक बार छोटा सा परिचय आप अपने हमारे दर्शकों को दे दीजिए। पावर हाउस रानी है जी। जैसे कि कोई भी मछली पालन करने वाला फार्मर यदि आपके यहाँ से फीड लेना चाहता है तो वो ये आके ले सकता है जी। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे आपके यहाँ फीड कौन सा है और किस कंपनी का है, आप थोड़ा दिखाइए। ग्लोबल कंपनी का फीड है जी, जीरो नंबर से लेकर चार नंबर तक जी। तो जैसे कि आपको हम बता दें ग्लोबल कंपनी का फीड अभी यहाँ पर रखा गया है जीरो नंबर से चार नंबर तक। और जैसे कि जीरो नंबर वो होता है जिसमें मछली के जो बच्चे डाले जाते हैं बीज डाला जाता है, जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें खिलाया जाता है जीरो नंबर का दाना। तो चाचा, जीरो नंबर का दाना जो है दिन में कितनी बार हम अपनी मछली को दे सकते हैं? ऐसा है 1000 मछली है जी, तो 2 किलो सुबह 2 किलो शाम जी। 1000 बच्चों, यदि आप 1000 बच्चे अपने तालाब में डाले हैं तो 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को आप फीड दे सकते हैं। ये ग्लोबल कंपनी का फीड है। अच्छा, ग्लोबल कंपनी का फीड बहुत अच्छा माना जाता है जी। उसके बाद चाचा फिर जैसे कि दो नंबर के चारे के बारे में बताइए, वो एक महीने तक जीरो नंबर खिलाना पड़ेगा जी। एक महीने के बाद जो है दो नंबर दाना खिलाना पड़ेगा जी। फिर उसके बाद तीसरे महीने 3 नंबर का दाना खिलाना पड़ेगा। उसके बाद जो है 4 नंबर लास्ट तक चलता रहेगा, 4 नंबर लास्ट तक चलता रहेगा। चाचा, जैसे कि हमारे किसान भाई मछलियों का वजन ज़्यादा बढ़ाने के लिए कैसे क्या करें? हम मछलियों को ज़्यादा जो है भाई तालाब का पानी एकदम स्वच्छ रहे जी, और उसके बाद जो है चारा आप कंटिन्यू खिलाते रहें जी, गैप ना करें। और उसके लिए भी अगर कहने का मतलब नहीं कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इसका कैल्शियम भी आता है। अच्छा, उस कैल्शियम को डालना पड़ेगा जी। फिर आपका जो है कहने का मतलब 4 महीने में
एक किलो जो है मछली तैयार होगी। चार महीने में उसका वजन एक से डेढ़ किलो लगभग हो सकता है। जैसे कि दूसरे स्टेप में जो मछलियाँ होती हैं जो चार महीने की मतलब दूसरे महीने की हो जाती हैं, तो उन्हें दिन में कितनी बार चारा देना चाहिए उनको? उनको जो है जब दो महीने में तैयार करना है जी, तो उनको जो है कम से कम तीन बार देना चाहिए। तीन बार और तीन महीने के, जैसे कि तीन महीने की जो मछलियाँ हो गई, जैसे बच्चा डाले एक महीना हो गया, जैसे वो खाना शुरू कर दी हैं, जब बच्चे रहते हैं तो कम खाते हैं और जब वो खाना शुरू कर दी हैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, तो उन्हें हम दिन भर में कितनी बार चारा डालें और कौन कौन से चारे नमक उमक उसी हिसाब से चारा बढ़ाना पड़ता है जी, इस हिसाब से जो है उनका डेवलपमेंट होता है। 1000 बच्चों में कितना दाना दे सकते हैं चाचा? 1000 बच्चे में जो है जैसे तीन बार डालेंगे तो 1.5 kg जो है सुबह, 1.5 kg दोपहर, 1.5 kg जो है शाम को। और इस फीड में क्या नमक वमक पूरे हर एक चीज मतलब जिस जो चाहिए उनको वो मिला रहता है? जो है पोषक तत्व इसमें जो है ये इस फीड में पूरे पोषक तत्व तो मिनरल होते हैं। जैसे कि अभी ये बोरी रखी गई है, ये बोरी किस नंबर की है? ये बोरी जो है 0 नंबर। अच्छा, ये 0 नंबर की है। इसका वेट क्या है, वजन? इसका जो है 20 kg। 20 kg, तो इसके दाम की बात करें चाचा, 20 किलो की ये जो बोरी है इसका दाम 1300 रुपये। 1300 रुपये में यदि आप खरीदना चाहते हैं और जो है अभी अभी ताज़ा बच्चा आप अपने तालाब में डाले हैं, तो 1300 रुपये की ये बोरी है, 1300 रुपये की इस बोरी को खरीद कर आप जो है अपने बच्चे को 0 लेवल का जो दाना है यही दाना है इसको खिला सकते हैं, अपने तालाब में डाल सकते हैं। उसके बाद सर जैसे कि बात करें, ये 1300 रुपये की है तो एक महीने तक मतलब कितने महीने तक चलेगी? एक महीने का राशन, यानी एक बोरी में 1000 बच्चों का एक महीने तक राशन हो सकता है? एक महीने का एक बोरी में नहीं होगा जी, और लेना पड़ेगा। हाँ जी, तो जैसे कि दूसरा नंबर का ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर की बोरी है। हाँ, इसका 25 किलो। अच्छा, 25 किलो की बोरी है और ये भी 1300 रुपये। 1300 रुपये में? हाँ। अच्छा, और ये जो पीछे चाचा आपके हैं, 4 नंबर है, ये 4 नंबर की बोरी है। हाँ। 4 नंबर की बोरी, इसमें कितना वेट है, इसका वजन क्या? 40 किलो। 40 किलो वजन है, तो 2000 रुपये। 2000 रुपये। हाँ। जी, जैसे कि आपको हम दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर फीड रखे गए हैं, यदि आपको फीड लेना है यहाँ का, और ग्रोवेल कंपनी चाचा अच्छी फीड देती है, सबसे नंबर वन फीड देती है। जैसे कि चाचा काफी दिनों से बेच रहे हैं, चाचा अभी दुकान खोले आपको कितना टाइम हो गया है? अरे हो गया 4-5 साल। 4-5 साल का चाचा के पास 4-5 साल का अनुभव है। यदि आप फीड खरीदना चाहते हैं या फिर इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो चाचा का नंबर आपको हम देना चाहेंगे। चाचा एक बार आप अपना नंबर बोल दीजिए जिससे हमारे ग्राहक जो हैं वो आपके नंबर पर संपर्क करें, आपसे बातचीत करें और खरीद सकें। 9 5 जी 5 9 जी 5 9 जी 4 3 जी 9 7 जी। एक बार एड्रेस बता दीजिए अपना। दांदूपुर मोड़ जी, रानीगंज जी, पावर हाउस जी। तो मेरे प्यारे किसान दोस्तों, यदि आप मछली पालन करना चाहते हैं और फीड खरीदना चाहते हैं तो दिए गए एड्रेस पर या फिर दिए गए मोबाइल नंबर पर जानकारी लेकर बातचीत करके आप आकर यहां से फीड खरीद सकते हैं और आपको अच्छे से अच्छे दामों मिलेगा, यहाँ कम से कम दाम में मिलेगा। यहाँ पर आपको फंसाने की कोई चीज़ नहीं है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाएगी जिससे आप अपने मछलियों का वजन ज़्यादा बढ़ा पाएँ और अच्छे से अच्छी इनकम कमा पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब।